आज के आपके करंट अफेयर्स 8 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कैसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और फिर आज की जो न्यूज थी उसके बारे भी आपको जानकारी दूंगा। देखो, जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। कोई भी जो फॉरेन में पर्सन या कोई भी बाहर से जो कंपनी है, कोई भी बैंक है, वो इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आप में दो टाइप की होती है, डायरेक्ट या जिसे हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, इसे इसीलिए कह देते थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। ठीक है, इसे FPI भी कह सकते हो और FII भी कह सकते हो। दूसरा वर्ड जो इसके लिए यूज होता है वो होता है इंस्टीट्यूशन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये दो टाइप की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काउंट की जाती है कि देश में कितनी इन्वेस्टमेंट किस पैसे से आई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जब कंपनी खुद डायरेक्टली इंडिया के अंदर अपने ऑफिसेस, प्रॉपर्टी, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रही है, ऐसी चीजें जो फिजिकल एसेट्स है। ठीक है, फिजिकल एसेट्स है, जैसे कि फिजिकल एसेट्स का क्या मतलब है कि कोई चीज एक्चुअली इंडिया में एग्जिस्टेंस में आ रही है। जैसे कि अगर मैं कहूं, लेट्स सपोज गूगल है, गूगल इंडिया के अंदर बैंगलोर शहर में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद रही है, उस बिल्डिंग के अंदर अपना ऑफिस बनाएगी, ऑफिस के अंदर हजारों इंप्लॉयज रख देगी। ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट हुई इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, देखो उन्होंने आगे बिल्डिंग भी खरीदी, नहीं भी खरीदी तो रेंट दे रहे हैं ना, पर अपनी फिजिकल प्रेजेंस उन्होंने इंडिया में बनाई है, उसके बाद इंप्लॉयज हायर किए हैं। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं, अभी ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए तो नहीं आई है। ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन से कंपनी आई है जो अपने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो कम से कम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो लेके आई है ना कि इतने साल हम इंडिया के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे इसलिए FDI में माना जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कंपनीज कभी भी इन्हें छोड़ के जल्दी भागने वाली नहीं होती। FPI इन्वेस्टमेंट या FII इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो की जाती है आपकी स्टॉक मार्केट्स में। ठीक है, स्टॉक सी भी था, स्टॉक मार्केट्स, फिर आपकी बॉन्ड मार्केट्स, ऐसी चीजों में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे कहते हैं FPI या FII। देखो ये जो चीजें हैं इनमें कैसे फर्क पड़ता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन बैंक था, उसने इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर पैसा लगा दिया। पर अब होगा क्या कि पैसे का जब भी, देखो जब तो स्टॉक मार्केट राइज कर रही है ऑब्वियसली उन्हें फायदा हो रहा है, वो लगाए रखेंगे, पर जैसे उन्हें लगेगा कि स्टॉक मार्केट इंडिया की डिक्लाइन करनी है, उन्होंने पहले ही सारा पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ये जो पैसा होता है ना, ये थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन किस तरीके से कि ये इंडिया में रहेगा या नहीं रहेगा उसका पता नहीं रहता है जी, टेम्पररी। हाँ, जब उनका प्रॉफिट पूरा हो गया वो निकाल भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक कंपनी अगर कोई इंडिया में खोल रहा है, कंपनी ये सोच के तो नहीं खोलेगा कि बस एक साल के लिए चलानी है, दो साल के लिए चलानी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ हार्ले डेविडसन का, हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल्स बनाते थे, वो हार्ले डेविडसन 2 साल पहले कंपनी ने बंद करने के लिए इंडिया में फाइल कर दिया 2020 में। 2020 में हार्ले डेविडसन ने बोल दिया कि हम इंडिया की मार्केट को छोड़ रहे, पर हार्ले डेविडसन इंडिया में 2008 से, तो उन्हें 12 साल वो इंडिया में बैठे रहे हैं। 12 साल उन्होंने गुड़गांव में फैक्ट्री भी लगा के रखी है, सारी की सारी इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के रखा, स्टोर्स ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑपरेट कर रहे थे, हर चीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस ये था कि क्या पता वो बाइक इंडिया में चल पड़े।
ठीक है, ये जो है यहां पे देखो इसी कारण चाहे उन्होंने, और वो स्टार्टिंग से घाटे ही खाते आ रहे हैं पर तब भी वो छोड़ के नहीं गए क्योंकि कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान लेके आते हैं। दूसरी साइड पे स्टॉक मार्केट में जब मर्जी पैसा डालो जब मर्जी निकाल लो, तो ये दो टाइप की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट? अब आज जो हमारा करंट अफेयर था एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर की जा रही है उसी के बारे था। एक मिनट, वो क्या है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है? वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट 15,000 करोड़ अगले 15 साल में खर्चने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ हर साल खर्चने वाला है हैदराबाद में, ताकि वो अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर, इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना के रख सके। अब ये डेटा सेंटर्स होते क्या है? सबसे पहले तो देखो, आपने एक चीज सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं अभी बता देता हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि देखो आजकल जैसे जैसे आपकी कंपनीज बड़ी होती जा रही है ना, कंप्यूटर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। एक तो जो डेटा जितना हम बना रहे हैं, कोई भी फाइल्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा आपके, एक तो स्टोर करना जरूरी है, दूसरा कितनी आसानी से वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर हो सकती है फाइल। तो एक तो तरीका है वही पुराने वाला तरीका कि ईमेल करो, हर चीज डाउनलोड करो, उसे एडिट करो, फिर ईमेल करो, वो सब कुछ करो। आजकल इसमें कंपनीज अब ये सोचती है कि इस पे एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा फिजिकल कंप्यूटर्स की तो हमेशा स्पेस जो होगी वो लिमिटेड ही रहेगी, और अगर मैंने एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया है, और लेट्स सपोज जिस पर्सन ने यहाँ पे डेटा स्टोर किया था वो अपने घर पे जाके ही उस डेटा को देखना चाहता है, अब वो उस डेटा को देखेगा ही कैसे? उसके पास तो डेटा है ही नहीं, मतलब एक्सेस ही नहीं है, नहीं तो उसे सीपीयू अपने साथ उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो आजकल क्या होता जा रहा है, हम ऐसे डेटा सेंटर एस्टैब्लिश कर रहे हैं जहां पे तुम कंप्यूटर में स्टोर करने की जगह फाइल ऐसे डेटा सेंटर्स में स्टोर करवा देते हैं, और ये जो डेटा सेंटर्स में जो आपके डेटा सारा का सारा स्टोर होता है उसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कि एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश हो जाता है जहां पे जाके आपका सारा डेटा स्टोर होता है, वहीं से आप डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो और सारी की सारी चीजें ऐसे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखो डेटा सेंटर की जरूरत क्यों है इंडिया में? देखो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी, हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती जाएगी। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल लगा के आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक आप चलाते होगे। अब लेट्स सपोज इंस्टाग्राम के ऊपर आपने जो फोटोग्राफ्स अपलोड की हैं, वो फोटोग्राफ पड़ी कहाँ है? फेसबुक, वो भी मतलब एक ही कंपनी के, सारे मेटा के, मेटा ने कहीं ना कहीं अपना एक डेटा सेंटर बनाया होगा, डेटा सेंटर के अंदर हर यूजर की फाइल स्टोर होती रहती। अब तुमने किसी की भी प्रोफाइल देखनी है, तुमने और चीजें अपलोड करनी है, कोई भी चीज डालनी है, वो सारी की सारी अल्टीमेटली इन्हीं डेटा सेंटर्स के अंदर जाके मॉडिफाई होती है। सर्वर से भरा हुआ कमरा होता है जिसके अंदर ये सारी की सारी मॉडिफिकेशंस हो रही होती है, सारी चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस कारण आपके हर चीज, चाहे आपका गूगल जीमेल यूज कर रहे हो उसका डेटा, फेसबुक इंस्टाग्राम का डेटा, कोई भी आजकल ऑनलाइन चीज ऑपरेट कर रहे हो, जूम कर रहे हो, ये सब कुछ डेटा सेंटर्स के थ्रू है, ठीक है। तो जितनी आपको डिजिटल इकोनॉमी बनानी है, अपने देश को जितना एक डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाना है, आपको उतने ज्यादा डेटा सेंटर्स की जरूरत है। तो आपकी ये फॉरेन कंपनीज को भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया भी एक बडिंग देश है, स्टार्टअप और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी और ज्यादा डेटा सेंटर्स की। तो वो इसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, और उसी के चलते हुए ये आपके डेटा सेंटर्स इंडिया में हैदराबाद में ही, जैसे आपके ये माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज आई हुई है, इससे पहले अमेज़न वेब सर्विसेज करके AWS, वो भी हैदराबाद में अपना डेटा सेंटर लगा चुके हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज। इसके अलावा अगर तुम इंडियन कंपनीज में देखोगे, एयरटेल भी अपना डेटा सेंटर बनाने लगा हुआ है, ठीक है, जियो भी अपना डेटा सेंटर बनाने लगा, क्योंकि उन्हें पता है
आने वाले टाइम पे, एक तो यहाँ पे कंपनीज के मुताबिक देखा जाए तो ग्रोथ बहुत है, कमाइयां अगलों की बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजों के वो पैसे चार्ज करते हैं। अगर आपको लेट्स सपोज आप फेसबुक का लेट्स सपोज डेटा फ्री यूज कर रहे हो, पर फेसबुक आगे इन सबको पे कर रहा होगा अगर वो किसी का डेटा सेंटर यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दे रहे हैं जी। हाँ, बिल्कुल, हमेशा पेमेंट की, मतलब जो भी पेमेंट होगी जिन्हें भी करना है वो ऑब्वियसली वो उस चीज को पे करते रहते हैं। अगली इसी से जुड़ी हुई चीज है, एक और चीज के लिए भी ये जरूरी है, इंडिया के अंदर ना एक नया एक्ट बनाया जा रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, देखो इससे पहले भी डेटा तो हमेशा से स्टोर होते आए हैं, ये अब क्यों खास होने लगा है? देखो डेटा तो तुम फेसबुक कितने टाइम से चला रहे होगे, सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये तो बहुत पुराने जीमेल, ये सब उससे पहले याहू, ये सारी ईमेल भी थे। पर देखो इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करते थे कि ये जितना भी डेटा है ना ये इंडिया के अंदर नहीं स्टोर होता था, तुम ये सारा का सारा फॉरेन डेटा सेंटर्स हैं, तो इंडिया से वहां ट्रांसफर होता था, वहां पे सेव होता था। इससे प्रॉब्लम क्या है कि देखो जो इंडिया का डेटा है अल्टीमेटली इंडिया के सारे सिटीजन का डेटा है ना, अब जिस गवर्नमेंट के वहां पे है अगर उस गवर्नमेंट ने किस तरीके से एस्पियोनाज कर लिया, यानी कि जासूसी करने की सोच ली, या जिस डेटा सेंटर में था उस डेटा सेंटर ने आपका डेटा बेच दिया किसी को बिना आपकी परमिशन के, आप कर भी क्या सकते हो, क्योंकि आपके तो देश के कानून से ही बाहर हो गया, क्योंकि आपके तो कंट्री के अंदर है ही नहीं ना डेटा सेंटर्स। तो आपकी गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे सबको कंपल्सरी कर दिया है, या इसीलिए अभी बिल में है कि सारी कंपनीज को यह बोला गया है कि आपको डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर ही बनाने पड़ेंगे, और हर डेटा कलेक्ट करने से पहले यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि हर ऐप में आपका आएगा कि आपका ये डेटा लिया जा रहा है, और वो सारा डेटा इंडिया के अंदर अंदर ही रहना चाहिए, इंडियंस का डेटा इंडिया के अंदर अंदर रहे, हमारी लॉन्ग टर्म में यही कोशिश है, ताकि अगर आपके कभी भी डेटा चोरी हो जाए, आपकी डेटा लीक हो जाए, देखो डेटा की आज की दुनिया में क्या वैल्यू है इसे समझना जरूरी है। आजकल कॉरपोरेट्स, कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनका अलग से एक डिपार्टमेंट होता है सिर्फ डेटा के लिए, ठीक है, ये डेटा क्या काम कर सकता है। देखो एक ना चीज बोली जाती है, एक और आपको यहां पे कंसेप्ट साथ में बता दूं, जिसे बोला जाता है बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस क्या है, देखो आपकी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, क्योंकि उनके पास फंड्स बहुत है, उनके पास सर्वे करवाने के भी बहुत पैसे हैं, कई डेटा खरीदने के बहुत पैसे हैं, तो वो अपने बेनिफिट के लिए क्या यूज करते हैं, लेट्स सपोज अलग अलग जगह से वो डेटा उठाएंगे, जैसे कि कितने लोग इस टाइम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसका डेटा कहीं से मिल गया, ठीक है, उसके बाद कहीं से उन्हें ये डेटा मिल रहा है कि कितने ग्रेजुएट्स हैं जो जंक फूड खाते हैं, ठीक है, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो जंक फूड खाते हैं और वो साथ में मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी कौन सा, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग सारे के सारे आपके डेटा से इकट्ठे कर लिए। देखो अपने आप में इन डेटा की कोई सेंस नहीं बनती कि ग्रेजुएशन और फूड का क्या लेना देना है, ठीक है, फूड और स्मार्टफोन का क्या लेना देना है, पर ये बिग डेटा एनालिसिस के थ्रू, लेट्स सपोज जैसे जोमैटो है, जोमैटो डायरेक्टली इसे अपने एल्गोरिदम में डालेगा, अपने कंप्यूटर में डालेगा सारा डेटा, और वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर ना फिल्टर लगा के इन चीजों को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और वो बाहर खाना खाते हैं और अभी यंग है, ठीक है, लेट्स सपोज बाहर जाना पसंद करते हैं खाना खाने के लिए, कितने लोग हैं स्मार्टफोन है, खाना खाना बाहर से पसंद करते हैं और यंग है, ठीक है, ग्रेजुएशन का ये मतलब वो यंग है, तो आपका जोमैटो लेट्स सपोज उन्होंने कोई फेस्ट करवाना है, कोई इवेंट करवाना है, कोई सिंगर बुलाना है, कुछ भी करवाना है, वो क्या करेंगे, इनके अंदर फिल्टर इंसर्ट करेंगे कि स्मार्टफोन्स का डेटा भी आ जाए, उसके थ्रू वो भेजेंगे कि आओ यहाँ पे हमारे इतने खाने के स्टॉल लग रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, उन्हें पता है यंग ऑडियंस, ये वाली जो यंग ऑडियंस है बीच में कनेक्ट बना लेंगे, ये लोग पक्का आएंगे,
तो इस तरीके से वो अपनी सारी बिक्री बढ़ा सकते होते हैं। तो आजकल ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर लग रहे हैं ना, इसीलिए लग रहे हैं ताकि लेट्स सपोज गूगल के पास ही डेटा है, गूगल आपको जो बेचना चाहे बेच देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपके ऊपर कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। मतलब जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो हजारों करोड़ों कमा रही हैं, उनके पास एक पूरा पूरा डिपार्टमेंट ही इस चीज का होता है कि डेटा को कैसे इकट्ठा किया जाए, डेटा को कैसे माइन किया जाए। तो ये बिग डेटा एनालिसिस जैसे बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर खुद, हाँ खुद ऑर्गेनाइज कर देता है, बिल्कुल। तो वही बात है, बिग डेटा एनालिसिस में पहले रॉ इंफॉर्मेशन है जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन का आपस में कोई कनेक्शन दिखता नहीं है। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हैं जो अल्टीमेटली लॉजिक निकाल के देते हैं। मतलब जो कमांड फीड की जाएगी कि हमें ऐसे का डेमोग्राफी निकाल के दो, ऐसे के लोगों के बारे जानकारी दे के दो, कंप्यूटर खुद विचारेगा कि ये सारी डॉट्स मिलते हैं, ये डेटा एक साथ जुड़ना चाहिए, तो वो खुद प्रोसेस करके दिखाता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपकी कंपनी इस डेटा को बोला जाता है कि 21st सेंचुरी का ऑयल। जैसे 20th सेंचुरी में जो जब तेल था, ऑयल जो था वो सबसे महंगी रिसोर्स थी, आज जिसके पास डेटा है वो सबसे बड़ी रिसोर्स है। हाँ जी, हाँ अभी पास नहीं हो रहा ना, थोड़ी कंट्रोवर्सी है। हाँ बिल्कुल, तो ये वैसे भी और चीजें भी इसके अंदर देखो कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे अभी आधार का डेटा है, आधार भी तो आपका कितना डेटा कलेक्ट करता है। आधार इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आधार के अंदर सरकार क्या क्या गारंटी देती है उसे अभी चेक करना जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि आधार को देखो सब पता है। आधार के डेटा के, आधार के अंदर सरकार जो फिल्टर आउट करना चाहे आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट कर सकती है। हाँ, वो उसके ऊपर वही तो कंसर्न है आधार के। तो उसके भी डेटा सेंटर्स ऑब्वियसली कितने सिक्योर बनाने हैं, सब कुछ बनाना है, उसे भी आगे विचारने की। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड करंट अफेयर है आपका डीडी इंडिया। दूरदर्शन बारे तो आपने सुना ही हुआ है, दूरदर्शन भी देखो डिजिटल एज के साथ हर चीज को चेंज होना जरूरी है। दूरदर्शन सबसे पहले तो पड़ता है प्रसार भारती के अंडर। देखो प्रसार भारती क्या है, एक ना कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसके अंडर दूरदर्शन भी आता है, ठीक है। आपका ऑल इंडिया रेडियो जो है AIR, वो भी प्रसार भारती इन्हीं के अंडर आता है। तो एक सिंगल कंपनी है सरकार की बनाई हुई जो आगे सारी की सारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब सरकारी, तो ऑल इंडिया रेडियो हो गया, DD नेशनल, DD अलग अलग, हाँ अलग अलग लैंग्वेजेस, उर्दू पंजाबी हिंदी सबके बने हुए, रीजन वाइज भी बने हैं, वो सारे के सारे प्रसार भारती चलाता है। अब प्रसार भारती क्या है, अब इन्हें ये चीज का एहसास हो रहा है कि देखो जैसे जैसे यंग जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन तो अब दूरदर्शन देखती नहीं है, तो अब किसी ना किस तरीके तक उन तक दूरदर्शन पहुंचाना जरूरी है। तो क्यों नहीं देखती, उसमें से एक सबसे बड़ी कमी जो है, ऑब्वियसली कमी लगा लो या जो जिस तरीके तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे और भी, वो ये है कि आजकल जो यंग जनरेशन का देखने का जो ट्रेंड है वो टीवी नहीं है। उन्हें टीवी की जगह, मतलब अगर टीवी पे भी देखते हैं वो किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं, ऐप के थ्रू देखते हैं, ताकि एडवर्टाइजमेंट्स ना आए, ये सब कुछ ना आए। वो टीवी का वो पुराना कल्चर खत्म हो गया कि 5 मिनट की ब्रेक आएगी फिर मूवी आएगी, जहां पॉज करना है वहां पॉज करें, जहां चलाना है चलाएं, अपने हाथ में कंट्रोल है। तो ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, ठीक है। कभी आपको इसी की फुल फॉर्म आ जाए किसी पेपर में, OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। तो एक वैसे ही ऐप है आपकी यप टीवी। तो यप टीवी जो है आपकी ऐप, उसके अंदर अब DD इंडिया भी अवेलेबल होगा।
तो आपका डीडी इंडिया इसके थ्रू आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और वहां से अवेलेबल होगा। इसके थ्रू वो उम्मीद कर रहे हैं एक तो वो ज्यादा ऑडियंस को पहुंच पाएंगे और दूसरा इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनली भी ज्यादा लोगों को रीच कर पाएंगे और अपने आप को ज्यादा रेलिवेंट दिखा पाएंगे। ठीक है, देखो डीडी इंडिया है क्या, ये स्टेट ओन्ड इंग्लिश न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल है डीडी इंडिया अपने आप में जो है। ठीक है, इसका एक तरीके से अगर तुम दुनिया के कॉम्पिटिटर्स देखो, ये स्टेट कंट्रोल्ड और भी चैनल्स है दुनिया में, जैसे जो बीबीसी है, बीबीसी आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, वैसे ही डीडब्ल्यू आपके फ्रेंच का है। ठीक है, एनएचके आपके जापान का है, आरटी रशिया टुडे आजकल बहुत ही पॉपुलर हुआ पड़ा है रशिया के इन्वेजन के कारण। ठीक है, तो ये सारे के सारे सरकारी चैनल है। देखो एक लिमिटेशन भी होती है सरकारी चैनल्स की, जैसे आपके रशिया टुडे के बारे में बताता हूं। रशिया टुडे, पहली बात तो ये पूरे के पूरे जो यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है इसे इन्वेजन नहीं कहता कि कोई इन्वेड किया है। ठीक है, ना इसे कन्फ्लिक्ट कहता है। उसके लिए वो जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं द यूक्रेन इश्यू। और उनके अगर तुम न्यूज चैनल देखोगे, रशिया टुडे अगर न्यूज चैनल देखोगे, उसमें आपकी पूरी की पूरी इस इन्वेजन को इस तरीके से दिखाया गया है कि आपकी रशिया लगातार जीत रहा है। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव इमेज जो रशिया बारे आ सकती है दुनिया से, वो रशिया टुडे पे नहीं आती, क्योंकि रशिया के अंदर वैसे भी वहां पे अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, जब से इन्वेजन हुई उसके बाद से, तो खासकर वहां पे जितने भी प्राइवेट चैनल थे ना न्यूज के, वो सारे के सारे या तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर ला दिए गए हैं और जो नहीं माने थे वो बंद करवा दिए गए। तो अब रशिया की जो अपनी पॉपुलेशन है उनके लिए न्यूज का प्योर सोर्स सरकारी चैनल्स ही है, तो सरकार जो फीड करेगी उन्हें वही मिलेगा। ठीक है, इस कारण क्यों ये क्यों किया जा रहा है, देखो हमेशा डर होता है जब तुम ऐसी चीजें करते हो ना, तुम्हारे देश के अंदर ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाए, क्योंकि वॉर को तो अब आज के जमाने में कोई भी पसंद नहीं करता। देखो किसी को पसंद नहीं कि किसी के अपने परिवार के मेंबर की जान चली जाए, तो जो फौज में है वो भी तो किसी के परिवार के मेंबर ही हैं। ठीक है, फैंस फैसिनेटिंग चीज लगती है कि टैंक्स यूज होंगे, ये होगा, जानने भी तो उतनी जाती है। तो वॉर एक पॉपुलर कंसेप्ट अब नहीं रहा है दुनिया में, तो इसके कारण जब भी जो भी देश आपके वॉर जाने की बात करता है ना, उसकी अपनी पॉपुलेशन के अंदर भी नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकते हैं कि हमने वॉर पे जाना ही नहीं। इसके चलते हुए ये जो रिएक्शन है, इसे कंट्रोल करने के लिए कोशिश होती है कि तुम लोगों तक इंफॉर्मेशन ही ऐसे पहुंचाओ कि हम ही विक्टम है। जैसे इंडिया चाइना के जो बॉर्डर कंफ्लिक्ट होता है, हम तो देखते हैं कि चाइना हमारे एरिया में घुस घुस के कितनी घुसपैठियां करता है, हमारे कई बार जो वहां पे क्या कहते हैं आपके लोकल एरिया में घास चराने के लिए जाते हैं अपनी बकरियों को और ये सबको, भेड़ों को लेके, उन सबको चाइनीज सोल्जर अब कई जगहों पे जाने नहीं देते, तंग करते हैं उन्हें भी। पर अगर चाइना के न्यूज चैनल्स को देखोगे, वो ऐसे दिखाते हैं कि इंडिया उनके एरिया में घुस के बैठा है और चाइना को खतरा है, क्योंकि जैसे तुम इंफॉर्मेशन फीड करोगे तुम्हारी पॉपुलेशन वैसे ही महसूस करेगी। अगर रियल इमेज जाने दे दी तो उनकी पॉपुलेशन तो उनके खिलाफ ही हो जाएगी, तो इसलिए ये चीज कंट्रोल की जाती है। ठीक है, क्लियर है। थर्ड करंट अफेयर आपका इंटरनेशनल, नेशनल ये एक एल्फा तो है हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी ये क्या है, शॉर्ट में से आईसीजे कहते हैं। इसे दुनिया में वर्ल्ड कोर्ट भी रेफर किया जाता है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड कोर्ट जिसे रेफर किया जाता है, ये करता क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। यूएन जो दुनिया की सबसे टॉप पार्लियामेंट बॉडी है, उसी के अंडर उसका ही इसे पार्ट माना जाता है। इसके अंडर क्या है, किसी को भी, किसी भी देश को किसी भी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ दूसरे देश के खिलाफ केस करना हो, देखो अगर कंट्री टू कंट्री तुम्हें केस करने हैं तो तुम्हें कहीं तो सेटलमेंट करनी पड़ेगी,
तो इसके कारण आपके बहुत सारे और भी मीडियम्स हैं, प्राइवेट कुछ बॉडीज भी एग्जिस्ट करती हैं, पर उनमें से एक चीज ये भी है कि आपके कंट्री टू कंट्री जब भी केस करना है, स्टेट टू स्टेट जब भी बिटवीन स्टेट डिस्प्यूट हो, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है अपने आप में और ये कैसे काम करता है? ये आपका 15 जजेस इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो यूएनजीए और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चुने जाते हैं 9 साल के टर्म के लिए। ठीक है, इस पूरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 15 जजेस होते हैं जो यूनाइटेड नेशन की दो और बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसे एक तरीके से दुनिया की पार्लियामेंट बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया में जो 195 देश हैं सारे के सारे मेंबर्स हैं जनरल असेंबली के, तो सारे देश मिलके वोट डालते हैं कि किस जज को इलेक्ट किया जाएगा। दूसरा आपका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, जिसका काम है दुनिया में पीस बनाए रखना, शांति बनाए रखना। ये दोनों बॉडीज मिलके 15 जजेस को सिलेक्ट करती हैं और 9 साल का टर्म मिलता है एक जज को। ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर अगली कंडीशन क्या है कि ये जो 15 जज है, एक जज मतलब दो जज सॉरी कभी भी एक देश से नहीं हो सकते, ये 15 के 15 जज दुनिया के अलग अलग देशों से होने चाहिए, अलग अलग कंट्री से होंगे, पूरी दुनिया का ओपिनियन आएगा तभी तो एक न्यूट्रलिटी बनेगी। देखो अगर लेट्स सपोज ये 15 जज है, एक केस इमेजिन करके देखो, अगर दो जज भी सिर्फ अमेरिका से हो गए, ठीक है, कल कोई भी एक ऐसा केस आता है जिसमें अमेरिका इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं इन दो जजेस का फेवर दिखेगा ना अमेरिका की तरफ। अगर ये 15 के 15 जज अलग अलग कंट्रीज से हैं तो फेवर अलग अलग जगह वेरी करेगा, तो ऑब्वियसली कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपके कभी भी केसेस बायस हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जब 15 जज कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे ये चीज होती है ना, तो 15 के 15 जज बैठते हैं यहाँ पे, तो 15 जजों की में जो मेजोरिटी वोट होगी, जिन्होंने 8 लोगों ने जिस साइड को वोट किया, वो आपके हमेशा जजमेंट मानी जाती है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। ये आपका पीस पैलेस, आपका एक पैलेस है हेग नेदरलैंड्स में, ये वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, ये इकलौती ऐसी यूएन की बॉडी है जो न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है, बाकी सब कुछ यूनाइटेड नेशन का आपका न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे दो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है यहाँ पे, और फर्स्ट केस इसका 1947 में आया था और आज तब से केसेस सुनता आ रहा है। अगर आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में केस याद करवाऊं, आपको याद होगा इंडिया भी यहाँ पे ना पाकिस्तान को लेके गया था, हमारे एक इंडियन पर्सन को पकड़ के रखा हुआ है कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने ईरान की बॉर्डर के पास से अरेस्ट किया था। ये एक्स नेवी के पर्सन है, पर वहां पे ट्रेड कर रहे थे, और पाकिस्तान का कहना है ये ट्रेड नहीं कर रहे थे, ये वहां पे एस्पियोनाज यानी कि जासूसी और पाकिस्तान के अंदर वेपन्स सब कुछ सप्लाई कर रहे थे जितने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं इंडिया के बिहाफ पे। तो ये जो डिस्प्यूट है, पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट किया था इन्हें, उसके बाद इन्हें सजा सुना दी थी आपके फांसी की। इंडिया के एम्बेसडर या इंडिया के एम्बेसी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था और डायरेक्टली फांसी सुना दी थी। पाकिस्तान के किसी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो इंडिया आईसीजे चला गया था इस केस को लेकर, जिसके चलते हुए कुलभूषण यादव की जो फांसी है वो रोक दी गई है, और उसके बाद इंडिया के एम्बेसी के लोगों को मिलने की परमिशन भी दे दी गई थी। अब देखो जब ये एक बार फैसला सुना दिया गया, उसके बाद आपके पाकिस्तान या किसी भी देश को ये मानना पड़ता है, जो यहाँ पे फैसला होगा वो मानना पड़ता है इंटरनेशनल यूक्रेन के लिए, इंटरनेशनल रेपुटेशन के लिए आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे आज जो न्यूज आई थी वो रशिया और यूक्रेन के इशू को लेकर ही है, यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ इन्वेजन की है, तो इसके चलते हुए यहाँ पे आपके केस फाइल किया गया है रशिया के खिलाफ। रशिया ने यहाँ पे अभी के लिए आके कोई भी स्टेटमेंट देने से, हियरिंग अटेंड करने से मना ही कर दिया है कि हम हियरिंग में नहीं आएंगे। अब हियरिंग में नहीं आओगे तो सजा कैसे मिलेगी? ठीक है, और दूसरी देखो, एक इस कोर्ट की कमी है,
लेट्स सपोज कल रशिया को सजा सुना भी दी, इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंडिया पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान ने वो सजा मान ली, ठीक है, क्योंकि अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन बचानी जरूरी है, नहीं तो तुम पे कोई देश भरोसा नहीं करेगा। रशिया के ऊपर तो ऑलरेडी सैंक्शन लग चुके हैं, रशिया का परवाह क्या है? अब यहां पे तुम अगर सुना भी दोगे रशिया को फर्क क्या पड़ता है? तो इस कारण इस कोर्ट में इस टाइम फैसला हो भी जाएगा तब भी रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और रशिया भी वही करता रहेगा। जी नौ नाइन, ठीक है, सबके इलेक्शन एक साथ नहीं होते, इनके इलेक्शन हमेशा स्टैगर्ड होते हैं, स्टैगर्ड का मतलब हिस्सों में बटे होते हैं, पांच जज हर तीन साल बाद रिटायर होते हैं, तो पांच 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 करते करते नौ जज इस तरीके से रिटायर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर एक ज्योग्राफी के एरिया के बारे, रेड सी के बारे। अब रेड सी कहां पड़ता है? ये देखो, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया, पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप पे बना के दिखाता हूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, ताकि रिलेट करना आसान हो जाए। ये इंडिया है हमारा, इसके साथ पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के साथ यहाँ ईरान आ गया, ईरान के साथ इसके बाद यहाँ से कंट्रीज इराक ये सब कुछ घूमते कुवैत ये घूमते घूमते एक पेनिनसुला आ जाता है जहां पे सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया है। नीचे जो दो कंट्रीज हैं, एक तो ओमान है और इस साइड पे यमन है। ये इस साइड पे पूरा पेनिनसुला जाता है, इस साइड पे फिर आपके ऊपर इजिप्ट आ जाता है, इजिप्ट से नीचे यहाँ पे पूरा ये अफ्रीका आ जाता है, पूरा अफ्रीका, ठीक है। इस साइड से आपके ये अफ्रीका आ गया, ये आपका सऊदी अरेबिया, इस साइड से देश ये एरिया। ये जो पानी के बीच में बॉडी है ना, इसे कहते हैं रेड सी। रेड सी की इंपॉर्टेंस ये है, इस साइड को ये ओपन होता है अल्टीमेटली इंडियन ओशन में, और अगर इस साइड ये बीच में एक छोटा सा लिंक करने वाला एरिया है, जहां पे आपको याद हो लास्ट ईयर एक शिप फंस गई थी, एक शिप फंस गई थी बिल्कुल इस एरिया पे, ये था सुएज कैनाल, और दूसरी साइड पे जो आपका ओशन आ जाता सी आ जाता है वो है मेडिट्रेनियन सी, ठीक है। तो रेड सी इस तरीके से ये बीच की बॉडी कनेक्ट करता है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा एरिया एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसे दूसरे मैप पे आपको एक बार दिखाता हूँ, ये ज्यादा क्लियर, वहां पे मैंने अभी रफ डायग्राम बनाया। ये देखो, इस साइड से जब हम एंटर किए ये इंडियन ओशन वाली साइड थी, ये ऊपर यमन देश आ गया, यमन और ये नीचे वाली सारी कंट्रीज, ये सोमालिया, ये सब कुछ अफ्रीका। पहले यहाँ पे एक गल्फ आता होता है, देखो गल्फ एक ऐसा एरिया होता है जो लैंड के तीन तरफा लैंड से बंद हो जाता है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आ गया। गल्फ ऑफ एडन आगे कनेक्ट करता है आपसे रेड सी से, ठीक है। तो इंडियन ओशन का एक छोटा पोर्शन है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू हम जाते हैं रेड सी। रेड सी देखो आपका ये पूरा ये सऊदी अरेबिया, ये देखो इस साइड पे ऊपर इजिप्ट आ गया, इजिप्ट से हम ऊपर जब जाएंगे ये रहा आपका जो ये पतला सा रास्ता यहाँ पे बना है, ये है आपका सुएज कैनाल, ठीक है, जो अल्टीमेटली कनेक्ट करता है ऊपर मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है। अब यहां पे कुछ और भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे ये देखो ये रेड सी में ये वाला एक रास्ता बनता है जो आगे जाके ना यहाँ पे बंद हो जाता है, पर ये जॉर्डन का बस एक कोस्ट पड़ता है। ये जो पानी की बॉडी है ना इसके बीच में, ये जो इतनी ये पानी की बॉडी है, इसे देखो मैंने आपको बताया गल्फ एरिया जो तीन साइड से पानी से बंद हो जाता है, इस एरिया को कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये आपके ना प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा गया था,
और देखो थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, यहां पे सिर्फ एक छोटा सा ये डॉट है जहां से जॉर्डन ना समुंदर को कनेक्ट होता है, जो जॉर्डन देश है वो छोटे से डॉट से गल्फ ऑफ काबा से कनेक्ट होता है। आपके क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड उन कंट्रीज को कहते हैं जिन्हें किसी भी साइड से समुंदर नहीं लगता। तो अगर आप वैसे वर्ल्ड मैप पे प्रिज्म में अगर आप देखोगे, अगर आप देखो ये मैप्स पढ़ने की जरूरी होती है, अगर वर्ल्ड प्रिज्म में देखोगे जॉर्डन दिखने को ऐसा लगता है जॉर्डन को कहीं समुंदर नहीं लगता, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जॉर्डन को भी यहां समुंदर लगता है और इस साइड को इसराइल को भी, गल्फ ऑफ काबा चार कंट्रीज की साइड ओपन होता है। ये इजिप्ट है इस साइड को, ये सारा सिनाई पेनिनसुला इसे कहते हैं, तो ये इजिप्ट का एरिया है। यहाँ पे इजिप्ट आ गया, ये ऊपर इसराइल आ गया, ये जॉर्डन आ गया और ये नीचे सऊदी अरेबिया का एरिया। तो ये चार कंट्रीज ये गल्फ ऑफ काबा के चारों ओर पड़ती है, ठीक है, छोटी सी वाटर बॉडी है पर इसके चारों ओर ये सब कुछ पड़ता है। क्लियर है? नहीं, तीन साइड कंट्रीज चार पड़ रही है, देखो लैंड तो तीन साइड ही है ना, एक दो और ये तीन। गल्फ वो एरिया होता है जो तीन साइड से, गल्फ और बे किसी भी नाम से बोला जा सकता है, बे भी बोला जा सकता है, कई इलाकों को बे बोलते होते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल भी तीन साइड से पानी से घिरा हुआ, लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। वैसे ही जो गल्फ होता है, गल्फ भी तीन साइड से आपका हमेशा लैंड से घिरा, ठीक है, बस इन्हें रेफर अलग अलग नामों से कर देते हैं, चीज बिल्कुल सेम है, ठीक है, तीन साइड आपके जिसके लैंड हो, जिस पानी के तीन साइड पर लैंड। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये है आपका सारा का सारा मैप। बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पे एक बार ही देख लेना, सारे मैप को, छोटी छोटी चीजों को जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।